कमी है तो आपकी सरकार में कमी है, क्योंकि जब ये कैबिनेट डिसीजन आया था तब भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी की कोलैबोरेशन करते थे। आप नहीं हो, अभी हमें क्यों बोला जाता है कि आप लोग बैकडोरी में लगे हुए हो, अगर आप लोग के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या चांस लगते हैं मेरे को बताइए, कितना टाइम लगता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने में? एक महीने का प्रोसेस नहीं है, आप लोगों में 4 साल लगते हैं। बच्चों को आपने 3,000 रुपए पर मंथ सैलरी दे रहे हैं, क्यों आज आप लोग ह्यूमन राइट्स का वायलेशन कर रहे हो? मिनिमम वेजेस एक्ट जम्मू कश्मीर में यूनियन टेरिटरी में इंप्लीमेंट क्यों नहीं हो पा रहा है मेरे को बताइए? जम्मू कश्मीर की बेटी रो रही है सर, ये देखो अब क्या हो रहा है। जो हालात हैं वो जो है बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ टीचर्स जो हैं वो इमोशनल भी हो चुके हैं, जो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि 3,000 रुपए पर मंथ की सैलरी पे जो है वो कैसे गुजारा करेंगे, कैसे अपने परिवार को चलाएंगे। और रविंदर राणा जी जो हैं वो भी प्रोटेस्ट में आ चुके हैं बातचीत करने के लिए। मामा मैं राहुल ड्राइवर अकेडमी की, हाँ मैं उसका कोच हूँ सर, एक अफ्रीकी है साथ में 3 और है, समझे, बॉर्डर के रहने वाले हैं, रात दिन को वहाँ से फायरिंग होती है, हम बच्चों को गलत कामों से निकाल के लाते हैं, ये उठ के इतना गलत ऑर्डर निकाल के हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी सर, बस ये ऑर्डर हमारे शाम तक भी हमारे साथी यहाँ आए हैं जो मेरे मीडिया के भाई बहन हैं, भाई बंधु, मेरा आपसे निवेदन है एक बार मैं इन सबसे एक बार सुन लूं, जी जी सर, फिर मैं आपको पूरा दृश्य ठीक है आपसे मीडिया से ठीक है, ये थोड़ा सा जगह तो देना राणा जी ने साफ तौर पर ये कहा है कि पहले वो जो है टीचर से बातचीत करेंगे, उसके बाद जितने भी मीडिया कर्मी हैं उनसे ब्रीफ करने की कोशिश करेंगे। रविंद्र राणा जी ने साफ ये चीज बोल दी है कि वो पहले एक बार बातचीत करना चाहेंगे, टीचर्स की डिमांड सुनना चाहेंगे और क्या कुछ चल रहा है उनके दिमाग में वो सुनना चाहेंगे, उसके बाद जो है वो मीडिया कर्मियों को जो है वो ब्रीफ करेंगे। हम ये चाहते हैं कि जो एलजी साहब ने ये 19 तारीख को हमारे खिलाफ जो ऑर्डर निकाला है इसको जल्दी से जल्दी रिवोक किया जाए, क्योंकि हम चाहते हैं कि पॉलिसी उस वक्त बीजेपी और पीडीपी की हुकूमत में बनी थी, हमें आज भी भरोसा है कि बीजेपी इस ऑर्डर को आज शाम तक रिवोक करवाएगी और तब तक हम केंद्र की नई नई खोएंगे। अगर इस ऑर्डर को शाम तक रिवोक नहीं किया गया हम अपनी फैमिली बच्चों के साथ आके हम अपने आप कफन बांध के अपने आप को खत्म करेंगे जब तक इस ऑर्डर को रिवोक ना किया जाए। हम चाहते थे कि 5 साल का पीरियड हो जाए या 2 साल का पीरियड हो जाए और हमारी सैलरी, क्योंकि आज पता है महंगाई का दौर है, कितना एक तेल का किलो भी 200-300 का मिलता है, हमें 3,000 रुपए इन्होंने लगा के, और हम चाहते थे कि हमारा ये पीरियड जो है ये सिर्फ 2 साल का होना चाहिए था, साथ में हमारी 20-30,000 सैलरी होनी चाहिए थी, क्योंकि इसमें 2700 में 2,000 लड़के इतने हैं कि जिनकी एवरेज 40 साल से ऊपर हो गई है। और ये जो एलजी साहब, उन्होंने कमिश्नर सेक्रेटरी ने, फाइनेंस मिनिस्टर ने, प्रिंसिपल जो हमारे सेक्रेटरी हैं, उन्होंने ये मिलके ये ऑर्डर
को बिल्कुल हमारे खिलाफ निकाला है और हम चाहते हैं कि इसको जल्दी से जल्दी इसको रिवोक किया जाए। और हम हमारे दरमियान हम इनका भी तहे दिल से शुक्र गुजार है, इन्होंने भी हमें बहुत सारी आश्वासने दी मगर उस पर भी सही तरीके से अमल नहीं किया गया। अब हम ये आए हुए हम इनके तहे दिल से शुक्र गुजार है मगर ये अभी अभी चीफ सेक्रेटरी को फोन लगा के हमारा ये मसला जो है इसको जल्दी से जल्दी हल किया जाए, तब तक हम नहीं उठेंगे। सर मैं ये कहना चाहता हूँ जम्मू कश्मीर में एलजी गवर्नमेंट के अंदर क्या हो रहा है, हमारे साथ एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं सारे जम्मू कश्मीर में, ये क्या कर रहे हैं, रातों रात ऑर्डर बन रहे हैं हमारे में, बेरोकेट हमारे साथ कर क्या रहे हैं, आप लोग कब हमारा स्टैंड लेंगे, कब हमारे साथ जस्टिस होगा, हमारे साथ क्या कर रहे हैं सर, क्या होगा हमारे साथ, क्या होगा ये तो बताओ सर, ये सड़कों पर मर गए हमारी 2700 फैमिली से नहीं है सर, 2700 बच्चे जो हमारे स्कूल में लगे हैं, अगर एक स्कूल में आप 200 बच्चा है, एक स्कूल में 200 बच्चा है, कितने बच्चे देख रहे होंगे, क्या स्पोर्ट में जाएंगे सर, इस बात का आंसर चाहिए, देश का नाम रोशन करेंगे, हमें देखने की हमारे उस्ताद यहाँ बैठे हुए हैं, ये उस्तादों की कमी है सर, जी सर सर बात उधर सुनना जाके सभी बैठो नीचे और हालांकि साफ तौर पर ये जो है चीफ सेक्रेटरी जी से बातचीत करने की जो है डिमांड रखी गई है टीचर्स का, साफ तौर पर ये कहना है एक सुसाइड का सुसाइडल जो है इन्होंने बात की है कि हम सुसाइड कर लेंगे अगर, तो उनकी बातचीत जो है वो नहीं मानी, साफ तौर पर टीचर्स जो है वो परेशान होते हुए नजर आए हैं और टीचर्स बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए हैं कि चीजों को जो एस्केलेट कर दिया गया है और सुसाइड करने की जो है बात की जा रही है यहाँ पर, कि अगर उनकी डिमांड्स को जो है वो सामने नहीं रखा गया है, डिमांड्स पूरी नहीं की गई तो वो सुसाइड करने की नौबत आ जाएगी, क्योंकि महंगाई भी जिस तरीके से बढ़ती हुई नजर आ रही है तो टीचर्स का साफ तौर पर ये कहना है कि इस महंगाई में 3000 रुपए पर मंथ से वो कैसे अपना गुजारा करेंगे, कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे और कैसे घर की रोजी रोटी चलेगी। ये जो आज सारा पेपर में बाकी लोगों फ्रेम करा ठीक है, बात कर लेकिन हमारा रेलवे इंदिरा भाई का मसला था, हमारे सिर्फ दो नहीं 40 सेकंड बात करूंगा आपसे उम्मीद। जंगल में सांप शहर में बसते हैं आदमी, जंगल में सांप शहर में बसते हैं, जंगल से बच के शहर में बसते हैं, यहाँ तो सांप ही बदनाम है, यहाँ जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट जम्मू एंड कश्मीर के नौजवानों को, मेरे साथियों मैं बताना चाहूंगा, सिर्फ 40 सेकंड बोलूंगा सर, हमें बड़ी खुशी हुई थी कि बीजेपी गवर्नमेंट ने रेबरे जंगलात को आगे भी खुशी होगी, माता की थोड़ा सबको मेरे देख लो, थोड़ी सी जगह दे दो ना भाई, सुनो मैं क्या करूँ, एक कुर्सी जाके सुनो भैया लड़ाई क्यों कर रहे हो, ए भाई शांत रहो लड़के, थोड़ा सा इधर आ जाओ सुनो,
ये जो तमाम हमारे नौजवान साथी जितने भी यहाँ, चाहे वो रायबरेली खेल के हमारे साथी हो या रायबरेली जंगलात के हो या यहाँ जो एनवाईसी वाले साथी भी आए होंगे, दो चार आए हुए हैं, मेरी बात सुनो, आए सर, आए दो चार, सबकी बात किया करो, सबकी आए सर, आए मुझे, हमको सबकी बात करनी है। कल आप भी नहीं आओगे तो उनकी भी बात हमने कर, आपकी भी बात हमको करनी होती है। साथियों, मैं आप सबको मालूम होगा कि मैं जम्मू में नहीं था, जम्मू से बाहर था, और जैसे ही मुझे पता चला कि आप बड़ी तादाद में यहाँ भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में आए हो, मेरी निवेदन है मीडिया के साथियों से, मैं एक बार अपने साथियों से बात करना चाहता हूं। मैं आप जो बोलेंगे मैं आपका हर सवाल का जवाब दूंगा। नहीं, आपकी आवाज़ तो मीडिया में तो आ रही है, इनको तो आनी चाहिए जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। माइक से जा रही है। अच्छा, आप रुको, सुनो, नहीं, सुनो, आप यही खड़े रहे, आप सारे मीडिया के, मैं यहाँ आगे रहता हूँ, आप यही खड़े रहे, आप यही, आप नहीं हिलो, आप नहीं, आप बैठे रहो ना, आप बैठे रहो यार, सारे मुड़े, रविंदर राणा जी का साफ तौर पर यह कहना है कि उनकी सारी बातों को समक्ष रखा जाएगा और उनकी डिमांड जो है वो भी पूरी की जाएंगी। सभी को यहाँ पर एड्रेस करते हुए, चाहे वो रैबरे खेल के हो या चाहे, रविंदर राणा जी ने साफ तौर पर यह कहा है कि उनकी डिमांड्स को जो है वो सामने रखा जाएगा और पहले वो जो है टीचर से बातचीत करना चाहेंगे, उसके बाद मीडिया कर्मी को एड्रेस करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। साथियों, फिर माइक आ गई है। मैं जम्मू में नहीं था, जम्मू से बाहर था, और जैसे मुझे पता चला यहाँ बड़ी तादाद में रायबरे खेल और रायबरे जंगलात के बहुत सारे हमारे नौजवान भाई बहन यहाँ आए हैं, और इसलिए एनवाईसी के भी जो भी आए हैं, तो मैंने तुरंत यहाँ फौरन यहाँ आपके बीच में आया हूँ, आपकी बात सुनने के लिए आया हूँ। मैंने भी आज सुबह एक न्यूज़पेपर में और बहुत सारे सोशल मीडिया के अंदर इस किस्म की न्यूज हमने पढ़ी, जिसमें रायबरे खेल और रायबरे जंगलात और बाकी साथियों, जिसमें उस न्यूज़पेपर में एनवाईसी के लोगों का भी जिक्र था। ये सारा मामला जो आया है उसका हमने बड़ा उसका सब हम सब ने बड़ा गंभीरता के साथ इसका सारा हमने संज्ञान लिया है। सुनो ना, सुनना पड़ेगा आपको, दो मिनट, कंटिन्यू सर। मैंने यहाँ ये जो साथी हैं यहाँ, मैं इनको एक जानकारी दे दूं, जैसे मुझे ये सारी जानकारी लगी यहाँ, उसके फौरन बाद मैंने जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से बात की और मैंने गवर्नर साहब को बोला, मैंने गवर्नर साहब को बोला, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जो नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर के अंदर अमन भाईचारा बना, और जान बूझ के इस किस्म के साक्ष्य की जा रही है। अभी पिछले दिनों जब यहाँ, मैं बताता हूँ क्रम दर क्रम बताता हूँ कि कैसे यहाँ साक्ष्य चलती हैं। पिछले दिनों एक ऑर्डर निकल गया के स्कूलों और कॉलेजों में
जी बच्चों को सूर्य नमस्कार करना है। भैया सूर्य नमस्कार सुबह 4 बजे होता है और सूर्य नमस्कार को सूरज को नमस्कार वो योग की प्रक्रिया है, वो आपको खाली पेट सुबह करनी होती है। एक बच्चा नाश्ता करके स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जाएगा वो कभी सूर्य नमस्कार के योग कर ही नहीं सकता, वो एक्सरसाइज नहीं कर सकता। ऐसी साजिश और ये चूकी सुने चूकी 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 एक जब भी कभी इलेक्शन की बात आती है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कुछ लोग बैठे हैं वो ऐसे कंट्रोवर्शियल ऑर्डर निकालते हैं कि उसके बाद यहाँ हंगामा खड़ा हो, ये साजिश होती है। इसलिए जब आपके तमाम मसाइल ये रेबरे खेल और जंगलात वालों के और NYC वालों की मैंने बात गवर्नर साहब से की है, गवर्नर साहब ने हमको बोला है ये जो खबर आज के अखबार में लिखी है ये सरासर झूठी खबर है, ऐसा कोई फैसला नहीं। और आप मेरी बात सुने, सुनो पहले बात सुनेंगे नहीं सुनेंगे। ये जो भैया ऑर्डर हुआ ही नहीं है तो रिवोक कर सकेंगे नहीं है। रुको रुको भाई रुको ना, और क्या बोलूं, और क्या बोलूं। रविंदर राणा जी ने जो है जो ऑर्डर साफ तौर पर निकाला गया है उसको नकार दिया है। रविंदर राणा जी ने ऑर्डर को जो है साफ तौर पर नकार दिया गया है। जो अखबार में ऑर्डर निकला था रविंदर राणा जी ने साफ तौर पर ये कहा है कि बात करने के बाद ये ऑर्डर जो है उसको नकार दिया गया है, एकदम फेक जो है वो ऑर्डर को बताया गया है रविंदर राणा के द्वारा। रविंदर राणा जी ने साफ तौर पर ये कह दिया है कि जो ऑर्डर निकला है वो फेक है। यही कहना है कि ये ऑर्डर ही नहीं है, आप साफ तौर पर देखो। कॉपी दो, कॉपी सर, मैडम कॉपी दो ना, ऑर्डर की कॉपी दो। सर इतने टीचर्स जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर, ऐसे नहीं होता। ऑर्डर की कॉपी, ऑर्डर की कॉपी दो, ऑर्डर की कॉपी जो है रविंद्र राणा जी ने मांगी और उनको ऑर्डर की कॉपी जो है थमा दी गई है इस वक्त हाथ पे। सर हमारे पास पड़ी हुई है, सुनो भाई आप लोग बात ही नहीं सुनते हो। सुनो भाई देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मैं आपके बीच में आया हूँ, मैंने आपकी बात सुनी है, बात सुनो ना, बात सुनो। बोलो भारत माता की भाई, मेरी बात सुनो, बात सुनो भाई। इतना सारे मीडिया में अगर मैं कोई बात बोल रहा हूँ, मैं अगर गवर्नर साहब के रेफरेंस से और जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी साहब के रेफरेंस से कोई बात